हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क। तो फ्रेंड्स, आज से सिग्ना प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, BS6 वाला। ठीक है, इसमें सिग्ना गाड़ी का जो भी सिस्टम है ना इलेक्ट्रिक का, इसमें कॉम्बिनेशन स्विच हो गया, मीटर बोर्ड हो गया, ये हेडलाइट, पार्किंग लाइट, इंडिकेटर लाइट, वाइपर, वाशर वगैरह जितना भी चीज आता है ना, बॉडी कंट्रोल यूनिट है, VECU है या ECM या जितना भी सेंसर है, सारा कुछ पे एक एक करके वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, आज हम सिर्फ जानेंगे हेडलाइट का जो हाई बीम और लो बीम सिस्टम है, कॉम्बिनेशन स्विच से VECU तक और VECU से हेडलाइट तक। ठीक है, उसका पिन नंबर, उसका वायरिंग कलर कोड, उसका वायरिंग डायग्राम, ये सारा कुछ। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे VECU। ठीक है, VECU से कनेक्शन जाता है हेडलाइट के पास, तो ये हो गया हमारा VECU। ठीक है, VECU में दो कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया एक कनेक्टर और ये हो गया एक कनेक्टर। ठीक है, ये है कनेक्टर नंबर 1 और ये हो गया कनेक्टर नंबर 2। ठीक है, और इसका पिन देखिए, कनेक्टर नंबर 1 का ये है पिन नंबर M1, ये है M2। ओके, इसका भी ये हो गया M1 और ये हो गया M2। ओके, अब इस पिन का काम क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कनेक्टर नंबर 1 जो है ना, इसका पिन M1 जो है, ये लो बीम, ठीक है, हेडलाइट का लो बीम का, ये राइट साइड का, ठीक है, राइट साइड का हेडलाइट का लो बीम ऑन करता है ये पिन राइट साइड का। ठीक है, और जो M2 है ना, ये भी लो बीम ऑन करता है हेडलाइट का, लेकिन ये लेफ्ट साइड का, ठीक है, LH। ओके, अब ये दोनों का वायर का कलर कोड, ओके, ये देखिए, ये जो M1 है ना, इसका है ब्लू पे व्हाइट कलर का वायर, और ये जो है ना, ये ब्लू कलर का वायर है। ठीक, और ये जो है कनेक्टर नंबर 2, ठीक है, ये दोनों हाई बीम के लिए, ठीक है, ये है हाई बीम, ओके, हाई बीम RH, ओके, हाई बीम RH, और ये हो गया हाई बीम LH। ठीक है, दोनों हाई बीम के लिए है और ये दोनों लो बीम के लिए है। ओके, अब देखिए इसमें कनेक्शन कैसे हुआ है, ये जो है ये पिंक कलर का वायर है और ये है पिंक पे व्हाइट कलर का वायर। ठीक है, तो ये हो गया दोनों हाई बीम के लिए, ठीक है, और ये दोनों लो बीम, ठीक है, ये राइट साइड का लो बीम और नीचे वाला राइट साइड का हाई बीम, और फिर ये नीचे वाला लेफ्ट साइड का लो बीम और ये नीचे वाला लेफ्ट साइड का हाई बीम। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्ट चला जाता है लाइट के पास, ठीक है, डायरेक्ट लाइट के पास ये सब वायर जा रहा है। ठीक है, जैसे ये हो गया एक हेडलाइट, एक ये हो गया हेडलाइट, ये देखिए इसका 3 वायर, ठीक है, एक हो गया ये ग्राउंड का और इसका भी ये हो गया ग्राउंड का और ये हो गया एक हाई बीम का, ठीक है, और ये हो गया लो बीम का और ये भी हो गया हाई बीम का, ये हो गया लो बीम का। तो अब देखिए इसमें कनेक्शन कैसे हुआ है, ये क्या है, ये लेफ्ट राइट साइड का लो बीम है, ठीक है, राइट साइड का लो बीम, तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। ओके, तो ये देखिए ये राइट का लो बीम है ना, तो ये लो बीम का जो वायर है ना, ये राइट का लो बीम में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है लो बीम है लेफ्ट साइड का, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का लो बीम में चला जाएगा, और ये देखिए ये हाई बीम है राइट साइड का, ठीक है, तो ये हो गया हाई बीम। ओके, ये देखिए ये राइट साइड का हाई बीम में चला जाएगा, ठीक है, और ये हो गया हाई बीम यहां। तो ये कनेक्शन हो गया VECU, ठीक है, VECU से डायरेक्ट हेडलाइट के पास। ठीक है, सिग्ना गाड़ी में ना 4-5 टाइप का कनेक्शन गया है, ठीक है, सब अलग अलग, बहुत सारा सिस्टम इसमें दे दिया है, कोई गाड़ी में हेडलाइट का फ्यूज दिया है, कोई गाड़ी में नहीं दिया है, कोई गाड़ी में हेडलाइट का वायर रिले भी दिया है। ठीक है, तो जिस गाड़ी में रिले दिया है ना, वहां डायरेक्ट यहां से करंट जाता है। ठीक है, उसमें देखिएगा कि ये दोनों पिन में कनेक्शन नहीं होगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड का, ये राइट साइड का लो बीम होगा और एक ये वाला होगा हाई बीम होगा लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो ऐसे करके दिया है एक ही कनेक्शन से, जैसे हाई बीम का एक कोई कनेक्शन ले लिया है और दोनों जगह हाई बीम दे दिया है, और लेफ्ट साइड का कोई एक कनेक्शन ले लिया है लो बीम का और दोनों जगह दे दिया है। ठीक है, ऐसे किया है उसने। तो अभी हम इसका जो इनपुट करंट है, जो कॉम्बिनेशन स्विच से आ रहा है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो दूसरा कनेक्टर है ना, ये भी दूसरा कनेक्टर होगा। ठीक है, दूसरा कनेक्टर में आता है इनपुट से, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन स्विच। ओके, और कॉम्बिनेशन स्विच का दो कनेक्टर बना दे रहे हैं, एक होगा इनपुट और एक होगा आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट के लिए और ये हो गया आउटपुट के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें केस कैसे कनेक्शन हुआ है, ये हो गया पिन नंबर 10 और ये हो गया पिन नंबर 6 और इधर पिन नंबर 9 और पिन नंबर 11। ओके, इसका इंटरनल कनेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा है, पिन नंबर 6 जो है ये ग्राउंड देता है पिन नंबर 11 को और पिन नंबर 10 जो है ये ग्राउंड देता है पिन नंबर 9 को। ठीक है, और पिन नंबर 6 में परमानेंट हमेशा ग्राउंड रहता है। ठीक है, और पिन नंबर ये 10 में भी हमेशा ग्राउंड रहता है, 6 और 10 दोनों में हमेशा ग्राउंड रहता है। ठीक है, अब नीचे वाला जो कनेक्शन है ना, ये है हाई बीम के लिए और ऊपर वाला है लो बीम के लिए। ठीक है, ऊपर वाला लो बीम के लिए, जैसे ही आप लो बीम ऑन कीजिएगा तो पिन नंबर 10 जो है कॉम्बिनेशन स्विच का, इसमें से ये ग्राउंड पिन नंबर 9 में आ जाएगा। ठीक है, और पिन नंबर जो 9 है ना, ये कनेक्शन जाता है डायरेक्ट ये F3। ठीक है, पिन नंबर 2 के F3 में। ठीक है, ये कनेक्शन यहाँ आता है। ओके, अब देखिए F3 में जो वायर गया है उसका कलर है रेड पे ब्लू कलर का वायर। ठीक है, रेड पे ब्लू कलर का वायर,
अब देखिए जो हाई बीम का कनेक्शन है ना, यहाँ से देखिए यहाँ से दो वायर निकलता है हाई बीम के लिए, ठीक है, ये दो वायर निकलता है हाई बीम। जैसे ही ऑन कीजिएगा जो पिन नंबर 6 है वो पिन नंबर 11 को, कॉम्बिनेशन स्विच का पिन नंबर 6 11 को एक ग्राउंड देगा और यही ग्राउंड जाता है डायरेक्ट VECU में, ठीक है। तो VECU से ये देखिए ये कलर है ऑरेंज पे व्हाइट कलर का वायर, ठीक है, ऑरेंज पे व्हाइट कलर का वायर जो पिन नंबर 11 से निकल रहा है, और ये दोनों वायर भी ऑरेंज पे व्हाइट ही है, ठीक है, और ये B1 और D4, ठीक है, B1 और D4 ये दूसरा कनेक्टर का B1 और D4 पिन में गया है। और ये दोनों पिन है क्या क्या चीज का, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये जो F3 है ना ये लो बीम का है, ठीक है, ये लो बीम का है इनपुट, ठीक है, इनपुट है लो बीम का इनपुट। जैसे ही इसमें ग्राउंड आता है ये भी इसी क्या करता है, जो दोनों लो बीम है ना, ये देखिए यहाँ लो बीम है दोनों राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये दोनों में करंट देता है, ठीक है, और यही करंट पहुंच जाता है डायरेक्ट हेडलाइट के पास, ठीक है। और जैसे ही आप हाई बीम ऑन करेंगे B1 और D4 दोनों जगह ग्राउंड जाएगा, ठीक है, और B1 जो है ना ये हेडलाइट का हाई बीम के लिए, ठीक है, हेडलाइट हाई बीम के लिए इनपुट है। जैसे ही इसमें ग्राउंड आएगा ये दोनों हाई बीम को ऑन कर देगा, ठीक है, दोनों हाई बीम ऑन कर देगा, मतलब हेड लेफ्ट साइड का भी हाई बीम और राइट साइड का भी हाई बीम, ओके। अब D4 क्या है, D4 है फ्लश के लिए, ठीक है, पासिंग के लिए। यहाँ पे जैसे ही आप ग्राउंड देते हैं ना, तो देखिए फ्लशिंग में क्या होता है कि जैसे ही फ्लश आप ऑन करते हैं ना तो वो हाई बीम ही ऑन होता है, ठीक है, तो वही हाई बीम में ग्राउंड जाएगा, मतलब D4 में जाएगा तो वहां भी जाएगा, इसीलिए दोनों जगह ये वायर दे दिया है और आपका हेडलाइट का हाई बीम ऑन होगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है हेडलाइट का सिस्टम सिग्ना गाड़ी में, ठीक है। जिस गाड़ी में रिले लगा कर रखा है हेडलाइट के लिए, ये जो वायर है ना ये डायरेक्ट जाता है हेडलाइट के लिए, ठीक है, इसमें से दो को खाली हो जाएगा, एक हेडलाइट का राइट साइड का रह जाएगा और एक हेडलाइट का लेफ्ट साइड का रह जाएगा, ठीक है, यही काम करेगा रिले में, ओके। और VECU का पॉजिटिव वायर डायरेक्ट जो पॉजिटिव इनपुट जाता है और ग्राउंड जाता है और इग्निशन स्विच का पॉजिटिव वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कनेक्टर नंबर 1, ये हो गया कनेक्टर नंबर 2, ओके। अब देखिए ये कनेक्टर नंबर 1 का L1, L2 और L3 में डायरेक्ट पॉजिटिव जाता है, ठीक है, और कनेक्टर नंबर 2 में भी L1, L2 और L3 में डायरेक्ट पॉजिटिव जाता है, ओके। अब ग्राउंड देखिए, ग्राउंड जो है ना पिन नंबर जो कनेक्टर नंबर 1 है इसमें D2, E2, J1, J2, K2, ओके, इसमें ग्राउंड आता है, ठीक है, इस सब में ग्राउंड आता है, ओके। और जो दूसरा कनेक्टर है इसमें E2, F2, G2, H2, K2 और K4, ठीक है, ये सब में ग्राउंड आता है, ओके, ये सब में ग्राउंड आता है। और इग्निशन स्विच का जो पॉजिटिव है ना ये एक नंबर कनेक्टर का F2 में आता है, ठीक है, और इस वायर का कलर होगा ग्रीन पे येलो कलर का वायर, ओके। तो ये हो गया VECU का इनपुट जो सप्लाई है वो, ओके, और ये इग्निशन सप्लाई।